भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने में कोयता गैंग के बाद चौपर गैंग की दहशत शुरू हो गई है। दारू और खाना देर से देने पर धार धार हथियार से हमला किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठाणे के ब्रह्माण्ड आजाद नगर में स्थित सागर गोल्डन हिल टॉप नामक होटल में रात 11:30 बजे मामूली सी बात को लेकर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। होटल में लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमलावर अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, एक के बाद एक वार करते ही जा रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद वेटर और कर्मचारी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। होटल द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने हथियार के साथ हमला किया है, उन्होंने दारू और खाने का ऑर्डर दिया हुआ था। दोनों ही वक्त पर ना मिलने की वजह से उनका गुस्सा संभाला नहीं गया और फिर हाथों में हथियार लेकर हमला करना शुरू कर दिया। सागर गोल्डन हिल टॉप होटल में जिन लोगों ने दहशत मचाई, उनका नाम ओमकार भोसले और अभि पाटिल है। टाइम पर खाने का ऑर्डर और दारू ना मिलने की वजह से ओमकार भोसले दोस्त ने, यानी कि अभि पाटिल ने, टेबल को उल्टा कर दिया और गुस्से की आड़ में रेस्टोरेंट के लोगों से हुज्जत करना शुरू कर दिया। घटना का सीसीटीवी वायरल होने के बाद कासर वडौली पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपी ओमकार भोसले और अभि पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही आरोपी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वेटर और कर्मचारियों पर हमला किया जाता है और इस घटना में जख्मी हुए वेटर और कर्मचारियों को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।